अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी एफ डी एंड रिपेयरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि आपको वी एफ डी के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए कि सोलर के ऊपर कनेक्शन कैसे और वापडा के ऊपर कनेक्शन कैसे और कैसे ये काम करता है। तो इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और फौरी वीडियो को देख सकें। तो ये एक मेरे पास मिट्सुबिशी का VFD है। ये VFD जो है 220 में 3 फेस है। तो अब मैंने फ़िलहाल इसको AC सप्लाई दी हुई है सिंगल फेस। ये सिंगल फेस पे भी वर्क कर जाता है और VFD जो है वैसे भी सिंगल फेस पे काम कर जाते हैं जो 220 के होते हैं, और 440 वाले जो है वो 440 वाले भी कर जाते हैं। ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ता है आप लोगों को। एक ये ब्रिज बड़ा ब्रिज है, इसके अंदर जो लगा हुआ है वो छोटा ब्रिज है, वो ये लगा हुआ है। ये भी 3 फेस ब्रिज है और ये बड़े वाला भी 3 फेस ब्रिज ही है। तो जब आप AC सप्लाई देते हैं यानी कि 3 फेस या सिंगल फेस, तो इन पे तीनों पे अगर देते हैं तो तीनों पे AC, AC1, AC2, AC3 आ जाता है और आपकी जो DC में कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप सिंगल में देते हैं इधर दे दें दोनों पे, या दोनों इधर पे दे दें या दोनों बाहर वालों पे दे दें, तो आपकी जो आउट आनी है वो DC पॉजिटिव नेगेटिव ही आनी है इसकी। इसी तरह ये काम कर रहा है, अगर आप DC इधर दे रहे हैं डायोड को यानी कि रेक्टिफायर को, मतलब आपके सोलर, आप सोलर पे कनेक्शन कर रहे हैं और सोलर के कनेक्शन, तो जो कनेक्टर होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के भी होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये एक बड़ा VFD है ये स्कावा का। तो ये देखिए RST, अगर आप सोलर के कनेक्शन RST पे कर देंगे तो फिर भी आपका जो है वो VFD वर्क करेगा। तो अगर आप ये पॉजिटिव नेगेटिव पे अपने सोलर के DC के दोनों के पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव का कनेक्शन कर देंगे तो फिर भी आपका जो सोलर है वो काम करेगा, सही है। तो आपकी जानी तो DC है जो मॉड्यूल के ऊपर जानी है, और जो मॉड्यूल को फिर जो इनपुट सिग्नल आने हैं और उसने ड्राइव करनी है। तो इसी तरह इसी का काम है। ये 220 वाले जो VFD हैं ये ज़्यादातर भट्टों पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए आपने कनेक्शन करते वक्त, पिछले दिनों में एक फ्रेंड मुझसे पूछ रहा था कि सर अगर हम वापडा का भी कर लें और सोलर का भी कनेक्शन कर लें तो उसके लिए, मैंने उसको जो बेस्ट सॉल्यूशन यानी कि बेस्ट आइडिया दिया था वो यही था कि आप चेंज ओवर यूज़ कर लें। चेंज ओवर के थ्रू जो है वो आप सप्लाई जो है VFD को दे दें। जब आप सोलर पे करना चाहें तो सोलर पे कर लें, जब आप वापडा पे करना चाहें तो वापडा पे कर लें, फिर उससे आगे जो है वो आप ऑटो भी कर सकते हैं, यानी कि वो आपका वापडा बंद हो तो सोलर पे आपका जो है वो VFD ऑन हो जाए। तो ये उसने पूछा था कि सोलर पे अगर मुझे, जिस फ्रेंड्स ने कहा था, जिस इलेक्ट्रिशियन ने मुझे करके दिए हैं उसने RST पे कर दिए हैं सोलर के कनेक्शन, और अब मैं वापडा के करना चाह रहा हूँ तो वो कहाँ पे करूँ, वो एक जगह पे दोनों, तो एक जगह पे दोनों नहीं लगाने। आपने क्या करना है कि आपने जो वापडा है उसको RST पे लगा देना है और जो सोलर है उसको पॉजिटिव नेगेटिव DC पे लगा देना है, और चेंज ओवर लगा लें साथ में। तो चेंज कर ली आपने सप्लाई चेंज ओवर से। तो उम्मीद है आप फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।